हेलो लवली चिल्ड्रेन, वेरी गुड मॉर्निंग. सो टुडे स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, छोटूज हाउस. दिस इज पार्ट 5. सो लेट्स स्टे देयर. ओके, सो गो टू पेज नंबर 35 फर्स्ट. पेज नंबर 35. ओके, सो गो टू पेज नंबर 35 एंड देन स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? ओके, आपके घर के चारों तरफ जो एरिया है, ठीक है, आपके जो नेबर हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स के घर हैं आसपास, वो बिल्कुल साफ़ हैं क्या, सुंदर हैं क्या, साफ़ सुथरे हैं क्या? ठीक है, सो आंसर, व्हाट विल द आंसर? यस, द एरिया अराउंड माय हाउस इज क्लीन. क्योंकि आप और आपके जितने भी नेबर हैं सब मिलके आपके जो सोसाइटी को क्या करते हैं, बिल्कुल साफ़ रखते हैं. ठीक है, आपको ऐसा करना भी चाहिए. ठीक है, लाइक यू कैन सी द पिक्चर्स. यस, वाओ, कितना साफ़ सुथरा सा ये है सर. आपका आपका घर नहीं है लेकिन ऐसा अगर होगा तो कितना सुंदर लगेगा, है ना, साफ़ सुथरा बिल्कुल. एंड वन मोर, यू सी द पिक्चर, पूरे जो गांव के लोग हैं, ठीक है, कितना अच्छे से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हर तरफ सफाई है. ठीक है, हर तरफ क्लीनलीनेस है. यस, सो ऐसे आपको भी केयर करना चाहिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन इज, डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? आप जो टॉयलेट यूज करते हैं वो अपने घर में यूज करते हैं कि घर के पास जो नहीं टॉयलेट होते हैं इस तरह के पब्लिक टॉयलेट, वहाँ जाते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इन द हाउस. क्योंकि अभी लगभग एटलीस्ट सबके घरों में टॉयलेट है. ठीक है, और हम अपने घर में टॉयलेट यूज करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी द पिक्चर हियर. ये किसी विलेज का पिक्चर है या फिर किसी भी टाउन का पिक्चर होगा जहाँ पे वो अपने घर में जो टॉयलेट बना हुआ है, देखिए ये टॉयलेट बना हुआ है ना, ये टॉयलेट है और ये लेडी जो है ना वो अपने घर में टॉयलेट बनाया, वो यूज करेंगे उसको. बट आपको पता है कि टॉयलेट जो है अभी भी कुछ लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं होता है. ठीक है, तो वो बाहर जाते हैं टॉयलेट के लिए और वो होता है पब्लिक टॉयलेट. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक टॉयलेट. ठीक है, ये होता है पे एंड यूज टॉयलेट्स. ठीक है, और वैसे भी बस स्टैंड्स या फिर रेलवे स्टेशन या फिर और भी बड़े मार्केट या टाउन में जो होता है ये चौराहे के पास इस तरह के टॉयलेट बने होते हैं. ठीक है, पब्लिक टॉयलेट, ताकि गंदगी ना हो, हर तरफ सफाई हो. ठीक है, सो आपको भी इमरजेंसी में या फिर बाहर जाते हैं तो आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करना चाहिए. ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे लोग यूज करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं. ये पब्लिक टॉयलेट है. ठीक है, आपने देखा होगा अपने अपने शहर में, है ना, आपके घर के पास भी हो सकता है वो, है ना. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु क्लीन्स इट? जो टॉयलेट होता है, बाथरूम टॉयलेट जो भी घर का होता है, वो कौन साफ करता है? हु क्लीन्स इट? हु क्लीन्स इट? सो आंसर विल बी, मे बी आपके सारे पेरेंट्स के मेंबर, आपके जो पूरी फैमिली है, सब पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, आपके बड़े भैया हो सकते हैं. ठीक है, आपके सिस्टर हो सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट आंसर, माई पेरेंट्स क्लीन इट, आई ऑल्सो हेल्प देम. ठीक है, जो भी क्लीन करता होगा आपको भी उसमें हेल्प करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अपने घर की सफाई, अपने घर का जो भी गंदा है वो आपको खुद साफ करना होता है. दिस इज़ वेरी गुड हैबिट. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे सफाई कैसे कर रहे हैं. ठीक है, आपके ये टॉयलेट है, ये ब्रश या फिर जो भी होगा इक्विपमेंट होता है उससे यूज करके सफाई करते हैं उसको. ये देखो, ये भी अपना टॉयलेट खुद साफ कर रहे हैं, है ना. यस, दिस वेरी गुड हैबिट. एंड यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके, ये याद आ रहा है आपको? ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? यस, ये हमारा स्कूल है. हमारा स्कूल नहीं हो सकता है तो कोई और स्कूल होगा. ठीक है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के बच्चे लग रहे हैं. और ये भी देखो सफाई कर रहे हैं ना, इन्हें भी सफाई का ख्याल है कि सफाई करने से कितना मतलब ज़रूरी होता है सफाई करना. ठीक है, टॉयलेट या बाथरूम में जो गंदगी होती है ना, बहुत बीमारियों का, उनसे बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए और जो भी जिनको नहीं पता हो उनको बताना भी चाहिए आपको. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? ठीक है, मतलब जो आपका टॉयलेट है उसको क्लीन करने के लिए आप कैसे क्या करते हो? ठीक है, कैसे आप हेल्प करते हो? सो योर आंसर विल बी यस. यू विल राइट, आई नेवर फॉरगेट टू फ्लस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लस आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. ठीक है, दस आई हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन. ठीक है,
कभी भी आप जब बाथरूम यूज करते हो, टॉयलेट यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ गंदा होता है, तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको आप जब कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो गंदगी से ना बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, और हार्मफुल जो है इंसेक्ट वगैरह वहाँ पर आ जाते हैं, तो इससे आपका आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है फ्लश कर देना चाहिए या फिर वहाँ पर पानी गिरा देना चाहिए। लाइक यू कैन सी, देखो ये बच्चा छोटा सा है ना, ये देखो ये फ्लश है ना, ये टॉयलेट है और ये फ्लश वाला होता है यहाँ पे, ये फ्लश करने के लिए होता है, इसको प्रेस करने फ्लश हो जाता है। और ये हमारा टॉयलेट है, ये वेस्टर्न था और ये इंडियन टॉयलेट है ना। और ये देखो यहाँ भी फ्लश का होता है एक बटन, इसको प्रेस करने पर पानी जो यहाँ से पानी निकलता है और वो नीचे चला जाता है टॉयलेट में, ठीक है, फ्लश हो जाता है। सो यू कैन सी सम मोर पिक्चर्स लाइक, ये देखो ये है, यहाँ भी है फ्लश का बटन, अच्छे से देख सकते हो। और अगर फ्लश नहीं है, मान लो यहाँ कहीं कहीं फ्लश नहीं होता है, ठीक है, मेरे मेरे टॉयलेट में भी पता है फ्लश है लेकिन ख़राब हो चुका है, सो आई रेगुलरली यूज वाटर, ठीक है, मग से या फिर जग से, जैसे भी आप उसमें आप या वाटर यहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है, सफाई रखने के लिए। ओके, सो वन मोर थिंग, आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा ना, तो आपने ट्रेन का टॉयलेट भी देखा होगा, ठीक है। कुछ लोग को ट्रेन का टॉयलेट बहुत ही गंदा दिखता है ना, क्योंकि हम उसको गंदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल हम करते हैं ना ट्रेन में, तो हमें भी ट्रेन जो है ट्रेन के टॉयलेट्स को भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का टॉयलेट जनरली आपको गंदा दिखता होगा, ठीक है, बट ये साफ़ दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको नेट से डाउनलोड किया है। सो आप देख लें यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे भी फ्लश का होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बटन होता है फ्लश करने के लिए, यहाँ बटन होता है, यहाँ पे भी आपको सफाई रखना चाहिए, ठीक है, और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये सफाई रखना कितना ज़रूरी है ना। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, अपने क्वेश्चन आंसर जो है सारे नोट कर लेंगे आप नोटबुक में अपने, ओके, और अच्छे से उसको सारे वीडियो को, पूरे वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेंगे इसको, ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।